दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। इस पूरे सीरीज में हम बहुत सारे स्कूल लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। उनमें से आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज रिवर्स अ स्ट्रिंग। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में गिवन ये है कि हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगा और उसको हमें रिवर्स करके प्रिंट प्रिंट नहीं करना है, रिटर्न करना है। ठीक है? सो यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगा एज अ पैरामीटर, उसी स्ट्रिंग को आपको रिवर्स करके रिटर्न करना है। ठीक है? जैसे यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग गिवन है गिग्स फॉर गिग्स, इसको आप अगर रिवर्स कर दो तो आपको मिल जाएगा SKEGROF SKEEG। ठीक है? सो रिवर्स करने का सिंपल सा मतलब है कि जो लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट में आ जाए, सेकंड लास्ट सेकंड में आ जाए, थर्ड लास्ट थर्ड में आ जाए। ठीक है? इतना तो आपको पता होगा। ठीक है? हाँ, आपको ये वाला फंक्शन को डायरेक्ट यूज नहीं करना है। ठीक है? आपका खुद का दिमाग लगाना है, इनबिल्ट फंक्शंस को यूज नहीं करना है। वो भी इंटरव्यूज और ऑनलाइन कोडिंग में तो चल जाता है, बट इंटरव्यूज में उसको हम आपको यूज करने नहीं देते। तो ये सबका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। कॉन्स्टेंट्स और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हो। कॉन्स्टेंट्स में ये है कि जो स्ट्रिंग का लेंथ है ना, इस जो ये वाला सिंबल है, इसका मतलब कि स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो 1 से लेके 1000 के बीच हो सकता है, उससे बड़ा स्ट्रिंग आपको नहीं गिवन होगा। एक्सपेक्टेड टाइम और स्पेस है कि जितना लंबा स्ट्रिंग है उतना ही चले बस। ठीक है? तो पहले हम इसका अप्रोच देखते हैं एंड देन वी विल सी कि हम इसको कैसे कोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको एक स्ट्रिंग गिवन है रिवर्स। ठीक है? तो पहला तो सिंपल सा एक बहुत ही बेसिक सा लॉजिक आपके दिमाग में चमक रहा होगा कि यार मैं क्या ना करूं, मैं अभी तो यहाँ पे खड़ा होके मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे रिवर्स दिख रहा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे खड़ा होके पढ़ू तो मुझे ESREVER दिखने लग जाएगा। तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा ना यार, एक स्ट्रिंग बना लूंगा। ठीक है? मतलब एक मेरा रिजल्टेंट स्ट्रिंग बनाऊंगा, उसमें शुरू में तो मैं कुछ भी नहीं रखूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, फॉर लूप ना यहां से चलाना चालू करूंगा। तो ये वाला लोकेशन क्या है, स्ट्रिंग का साइज। स्ट्रिंग का साइज क्या, 1 2 3 4 5 6 7। तो स्ट्रिंग का साइज आ गया मेरे पास 7। स्ट्रिंग के साइज -1, तो मतलब फॉर लूप का स्टार्टिंग कहाँ पे होगा, 6 से। कब तक चलेगा वो? तब तक चलेगा जब तक आई का वैल्यू 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर भी। और हर बार हम एक एक स्टेप पीछे जाते जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम में ई आएगा, फिर हमारा एस आएगा, फिर हमारा आर आएगा, फिर हमारा ई आएगा, फिर हमारा वी आएगा, फिर हमारा ई आएगा, फिर हमारा आर आएगा। ठीक है? तो हम पीछे से फॉर लूप चलाना चालू करेंगे। सिंपल सा है, देखो। ठीक है? तो ओके, एक हम बना लेते हैं स्ट्रिंग। ठीक है? इसको मैं बोल देता हूँ रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है? इसको इनिशियली मैं कुछ भी इसमें नहीं रख रहा हूँ। ओके, दिस विल कलेक्ट द फाइनल रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है? इसके बाद हमें स्ट्रिंग का लेंथ की जरूरत पड़ी थी, है ना? तो इंट लेंथ कर लेता हूँ एंड एस डॉट लेंथ कर लेते हैं, या फिर एस डॉट साइज कर लेते हैं, है ना? बिना साइज फंक्शन के भी आप स्ट्रिंग का लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है? बट अभी उसको हम डिस्कस ना करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिर हम क्या बोला था, हमने ये सोचा था कि यार आई को कहाँ से चालू करेंगे, एस डॉट सॉरी लेंथ -1 से चालू करेंगे, है ना? मतलब इस वाले पोजीशन से चालू करेंगे। ये वाला पोजीशन का इंडेक्स क्या है, 6, और हमारा साइज क्या है, 7। 7 -1 6। हर बार यही होगा यार, है ना? लेंथ -1। कब तक चलते जाएंगे, जब तक आई का वैल्यू 0 या 0 के बराबर। मतलब या तो इस पोजीशन में भी चलेगा या तो इससे ज्यादा। मतलब आई का वैल्यू पहले 6, फिर 5 4 3 2 1 0, बट 0 से छोटा हुआ तो हमें रुक जाना है। तो आई का वैल्यू जब तक 0 या 0 से बराबर हो, मतलब 0 या 0 से बड़ा हो, तो हमें काम करते रहना है, एंड देन आई -1। ठीक है? अब क्या करना है, हमें रिवर्स स्ट्रिंग में इसको ऐड करते जाना है। किसको ऐड करते जाना है, एस ऑफ आई को ऐड करते जाना है। पहले हम ई को ऐड करेंगे, फिर एस को ऐड करेंगे, फिर आर को ऐड करेंगे, फिर ई को, वी को, ई को, आर को, ऐसे हम ऐड करते जाएंगे। अब फाइनली हमारा आंसर प्रिपेयर हो जाएगा, रिटर्न रेव str। इस वाले स्ट्रिंग में सारा स्ट्रिंग रिवर्स होके हमारे पास रेडी हो जाएगा। ठीक है? कूल। ओके, सो यहाँ पे क्या आ रहा है, इम्पोर्ट डज नॉट हैव अ नेम टाइप। ओके, थ्रोज एक्सेप्शन।
ये क्या एक्सेप्शन आ रहा है भाई? तो जस्ट अ सेकेंड ना, इसको हम क्या करते हैं, रिसेट करते हैं एंड फिर एक बार हम देखते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा। ओ सॉरी, अरे यार स्ट्रिंग तो स्मॉल में होगा ना, बिकॉज सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे जावा का याद आ रहा था। ओके ओके फाइन, आई होप अब ये चलना चाहिए। ओके इट्स वेल एंड गुड रनिंग, इसको हम सबमिट करते हैं एंड देन हम सेम कोड को यार एक बार जावा में भी रन करके देखते हैं क्या वो चल रहा है या नहीं, ठीक है? बिकॉज सी प्लस प्लस और जावा लगभग सेम है ना, बस थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा अगर आपको याद हो तो, जो भी जावा यूज करते हैं कि उनमें बेसिकली ये साइज हमें यूज ना करके लेंथ फंक्शन यूज करना पड़ेगा एंड हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, एस डॉट कैर एट हमें लिखना पड़ता है ना। सो इस तरह से हम कंपाइल एंड रन करते हैं एंड देन इट विल बी वेल एंड गुड। ओके सो ये चलना चाहिए, अगर ये चलता है तो हम एक बार सबमिट करते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, क्योंकि हमें हम यहाँ से चालू किए फिर इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, तो कितने आइट्रेशन करने पड़े, जितना भी लेंथ है स्ट्रिंग का है ना, 7 आइट्रेशन करने पड़े इन केस ऑफ रिवर्स, ठीक है? बट क्या इससे भी कोई अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसी क्वेश्चन के लिए मैं, उसी सॉल्यूशन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? ये वाला सॉल्यूशन तो आई गेस सबको आता होगा, बेसिक आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो ये वाला जो अप्रोच है वो आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है? अब मैं बोलता हूं ना यार कि हम ना क्या करें, ऐसा बेसिकली ना करें कि एक नया स्ट्रिंग लेना पड़े, इसी स्ट्रिंग में ही हम रिवर्स कर देते हैं ना, क्यों ना कर सकते हैं। मैं बोलता हूं यार कि ना देखो, हम ये दोनों को पहले रिवर्स करें, मतलब स्वैप करें, तो अगर हम इन दोनों को स्वैप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई एंड आर। फिर हम ये दोनों को स्वैप करें तो हमारे पास आ जाएगा एस एंड ई। फिर हम ये दोनों को स्वैप करें तो यहाँ पे आ जाएगा आर एंड वी। बस यहीं तक, उसके बाद इसको हम यहीं पे एज इट इज रख देंगे, ठीक है? कूल। तो अब अगर आप देखो तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये रिवर्स हो चुका है, आर ई वी ई आर एस ई, ऑब्वियसली है ना रिवर्स हो चुका है ये, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ठीक है? कूल, ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा अप्रोच है यार ये, ठीक है? अभी मैं बोलता हूं कि सबसे पहले ना फॉर लूप यहां से चलाना चालू करो, ठीक है? ये है हमारा जीरो। ओके तो मैं बोलता हूं कि आई का वैल्यू क्या है, देखो है ना, फॉर लूप को हम इनिशियली जीरो से चलाना चालू कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ हमें किसको रिवर्स करना है पहले ऑब्जर्व करो, ठीक है? जीरो और सिक्स को, और इस जो पूरे स्ट्रिंग है उसका लेंथ क्या है, 7, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे, मेरे पास जीरो है और मुझे चाहिए 6, तो आप बोलोगे कैसे मिल सकता है, तो मैं बोलूंगा यार लेंथ माइनस आई माइनस जीरो, सॉरी 1, तो उससे ना मुझे 6 मिल जाएगा, बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, आई का वैल्यू 0 है, एल का वैल्यू 7 है, 7 माइनस 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा मेरे पास, 6। तो आई का वैल्यू अगर 0 है तो एल का वैल्यू, इस वाले का वैल्यू आ गया 6, मैंने इन दोनों को स्वैप कर दिया, स्वैप करना तो आता होगा। फिर मैं आई को आगे बढ़ाया, आई का वैल्यू हो गया 1, फिर से इसी से निकालेंगे, एल माइनस आई माइनस 1, 7 माइनस 1 माइनस 1 5, ठीक है? 1 और 5 को स्वैप कर देते हैं, तो 1 और 5 को हमने स्वैप कर दिया है ना, ये 1 और ये 5 स्वैप हो गए। फिर हम आई को आगे बढ़ाए, आई का वैल्यू हो गया 2, फिर से सेम फॉर्मूला, एल माइनस आई माइनस 1 से हम निकालेंगे, एल का वैल्यू 7, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 1 4, देखो सेम से निकल रहा है, 2
टू और फोर को हम अभी स्वैप कर देंगे, तो हमने टू और फोर को स्वैप कर दिया। ये जो प्रोसेस है वो हम कब तक करेंगे? जब तक आई का वैल्यू लेंथ बाय टू से छोटा हो, है ना। बिकॉज बीच में करके क्या फायदा यार, ई को हम क्या ही करें, है ना। अगर मैं इसको यहां पे ले भी लूं तो यहां पे क्या आएगा, थ्री, और इसका वैल्यू क्या होगा, 7 माइनस 3, 4, 4 माइनस 1 3, तो बराबर। हालांकि कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट क्यों करना, है ना। एक स्टेप पहले ही रुक जाओ, है ना, आधा पहुंचने से पहले ही, ठीक है। जब तक आई का वैल्यू लेंथ डिवाइड बाय टू से छोटा है, हमें काम करते रहना है और स्वैप करते रहना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा बट बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। इसके लिए हमें देखो नया स्ट्रिंग लेना ही नहीं पड़ा यार, इसी स्ट्रिंग में हेर फेर हमने कर दिया, सिंपल सी बात है। चलो पहले हम C++ में इसको कोड करते हैं। तो इस वाले लाइन की जरूरत हमें अब है ही नहीं, हमें भैया नया स्ट्रिंग नहीं चाहिए, रखो तुम्हारा नया स्ट्रिंग, हम उसी में काम कर लेंगे, ठीक है भैया, कर लो फिर देखते हैं, है ना। तो हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, जीरो से स्टार्ट किए थे। कब तक जाते थे, एल बाय टू तक जाते थे, और आगे बढ़ रहे थे, इस बार आई प्लस प्लस कर रहे थे, है ना, आई प्लस प्लस कर रहे थे, है ना। चलो बढ़िया, हमें किन दो इंडेक्स के बीच स्वैपिंग करनी थी, पहला तो आई और दूसरा एल माइनस आई माइनस वन, ठीक है। तो दोनों को मैं निकाल लूं, ठीक है, निकाल लेते हैं यार। ये फर्स्ट इंडेक्स कर देते हैं, तो ये तो भैया हमारा आई ही होगा, और ऐसा करके हम सेकेंड इंडेक्स निकाल लेते हैं, जिसके जहां पे हमें स्वैप करना है भाई, लेंथ माइनस आई माइनस वन, इन दोनों के बीच हमें स्वैपिंग करनी है, कर देते हैं ना यार। स्वैप एस ऑफ एफ इंडेक्स एंड एस ऑफ सेकेंड इंडेक्स, सिंपल। अब हमने उसी स्ट्रिंग को रिवर्स किया है, तो हम रिटर्न भी क्या करेंगे, सेम एस वाले स्ट्रिंग को ही रिटर्न करेंगे, ठीक है, सिंपल। कंपाइलर रन करता है अब इसको, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है कि आई का वैल्यू और इसमें क्या रिलेशन है। तो अगर आप ये वाले इक्वेशन तक पहुंच गए ना, तो सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें टू पॉइंटर अप्रोच भी लगता है कि दो पॉइंटर लगा के, तो उससे भी अच्छा अप्रोच है भाई ये, सिंपल थोड़ा सा मैथ्स लगा के, ठीक है। ओके यार, यहाँ लेंथ है यार, आप लोग बताते नहीं हो, ठीक है। ओके कंपाइलर रन करते हैं, तो हम बेसिकली सबसे पहले, ओके एस वाज नॉट डिक्लेयर, अरे यार कैपिटल है भाई, गुड। सो सबसे पहले हम लेंथ निकाल रहे हैं, फिर हम जीरो से लेके लेंथ बाय टू तक जा रहे हैं, है ना। टू लेंथ बाय टू तक क्यों जा रहे हैं, आप इक्वल्स टू लेंथ बाय टू तक भी जा सकते हो यार, लेकिन बस एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत कम में काम बन रहा है, तो एक एक्स्ट्रा वर्क करके क्यों फायदा है, मतलब क्या फायदा है। फर्स्ट इंडेक्स हमने निकाला, सेकेंड इंडेक्स निकाला, इन दोनों को सेव कर दिया। ये दोनों लाइन को आप हटा भी सकते हो, अगर स्मार्टली ऐसा लिखना चाहो, एस ऑफ आई एस ऑफ लेंथ माइनस आई माइनस वन, ये भी चलेगा, ठीक है। तो और लाइन ऑफ कोड को अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्वैप फंक्शन नहीं लिखना है, तो स्वैप फंक्शन नहीं भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। स्वैप फंक्शन मैंने यहाँ पे एक लाइन में लिखा है, अगर आप इस स्वैप वर्ड को यूज ना करो तो तीन लाइन में लिखोगे, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो अगर आप उसको नहीं लिखना चाहते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। उसको भी आप मॉडल, मतलब कोई भी किसी मेथड को कॉल ना करके खुद से लिख सकते हो, इनबिल्ट यूज ना करके, ठीक है। अब हम सेम को जावा में कोड करते हैं। जावा में ना यार हम ऐसा नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम इसी स्ट्रिंग पे छेड़खानी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल्स होते हैं, ठीक है। जावा में हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते फॉर दी सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। तो एरे को चेंज कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग को नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने C++ में क्या है, स्ट्रिंग को, सेम स्ट्रिंग को हमने चेंज कर दिया, है ना, स्वैप कर करके कर करके, तो सेम स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, हम क्या कर सकते हैं ना, पहले ये जो हमारा स्ट्रिंग है ना, इसको हम एक कैरेक्टर एरे बना लेते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे यार स्ट्रिंग खुद ही एक कैरेक्टर एरे, ठीक है, बट अभी हम इसको रियल वाला कैरेक्टर एरे बनाएंगे, ठीक है, बिकॉज कैरेक्टर एरे में हम ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है, कूल। अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस सेम है, उस चीज को हम अचीव करने के लिए हम इसको कैरेक्टर एरे बना रहे हैं, है ना, लेंथ डिवाइड बाय टू तक। बाकी प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, है ना। अब यहाँ पे हम एक बार स्वैप कर लेते हैं, ठीक है। तो स्वैप कैसे करते हैं, एक मैं क्या करता हूँ, कैरेक्टर टेम्परेरी बना लेता हूँ और एरे ऑफ आई को डाल लेता हूँ। अब एरे ऑफ आई में मैं क्या करूंगा, एरे ऑफ
लेंथ माइनस वन को ले, नॉर्मल स्वैप कर रहा हूँ भाई और कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना, सॉरी लेंथ माइनस आई माइनस वन, है ना, नॉर्मल स्वैप कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अरे यही है यार, देखो बेसिकली हमने क्या किया, ये जो रिवर्स है ना, इसको बेसिकली हमने एक कैरेक्टर एरे के फॉर्म में बना लिया, पता नहीं ये रिकनेक्टिंग आ रहा है बार बार। ठीक है चलो देखो, इसको हमने क्या किया, एक कैरेक्टर एरे के फॉर्म में बना लिया। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो रिवर्स था, ठीक है रिवर्स था, इसको हमने कैरेक्टर एरे के फॉर्म में बना लिया, आर मतलब एक कैरेक्टर हो गया हमारा आर, फिर दूसरा कैरेक्टर हो गया हमारा ई, फिर हो गया वी, फिर हो गया ई, फिर हो गया आर, फिर हो गया एस, फिर हो गया ई। ठीक है, इसको हमने एरे के फॉर्म में स्टोर कर लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्वैप करते जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जीरो इंडेक्स है, ये वन इंडेक्स है, ये टू इंडेक्स है, ये थ्री इंडेक्स है, ये फोर इंडेक्स है, ये फाइव इंडेक्स है, ये सिक्स इंडेक्स है। तो हम क्या किए, सबसे पहले सिक्स इंडेक्स वाले को जीरो में डाल दिया और जीरो को सिक्स में डाल दिया। यही तो नॉर्मल स्वैप किए यार हम, इससे ज्यादा कुछ क्या मतलब बताऊं, है ना, नॉर्मल स्वैप है ये, है ना। यहाँ पे हमने स्वैप फंक्शन यूज कर लिया था सी प्लस प्लस में, बट यहाँ पे हमने, मैं सोचा कि बिना स्वैप फंक्शन के बता दूं ताकि आपको इनबिल्ट का भी आदत छूटे, है ना। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली इस वाले स्ट्रिंग को तो नहीं कर सकते क्योंकि हमने एरे में चेंज किया है, स्ट्रिंग अभी भी वही का वही है, तो हमें एक न्यू स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, और स्ट्रिंग के पैरामीटर में हम एआरआर को पास कर देंगे। ठीक है, इस कैरेक्टर एरे को पास कर देंगे तो वो एक नया स्ट्रिंग हमें बना देगा। ठीक है, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आई होप आप ये वाले फंक्शंस को पढ़ो, ये फंक्शंस को पढ़ो। ठीक है, बिकॉज एक वीडियो में मैं पूरे स्ट्रिंग के फंक्शनैलिटीज को तो नहीं बता सकता ना यार, क्योंकि बहुत ही वास्ट टॉपिक है जावा का स्ट्रिंग टॉपिक। ओके, डेफिनेटली आप पूरे स्ट्रिंग टॉपिक को डिस्कवर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओके सॉरी, ये पैरामीटर के फॉर्म में जाएगा ना स्ट्रिंग में। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप स्ट्रिंग बिल्डर का भी हेल्प ले सकते हो अगर आप जावा से रिलेटेड मतलब जावा में कोडिंग करते हो तो। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि जावा में बेसिकली स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, तो तब हमें ये सारा झंझट करना पड़ रहा है। ठीक है, और अगर आप एक बार कर लो ना पहले स्ट्रिंग को, जब भी आपको स्ट्रिंग में कुछ चेंजेस करना हो पहले हम इसको उसको कैरेक्टर एरे बना लेते हैं, फिर जाके हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, कूल, सो इसको हम सबमिट करते हैं। सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी जो मैंने सी प्लस प्लस में डिस्कस किया, ऑर्डर ऑफ जितने भी कैरेक्टर्स हैं उस स्ट्रिंग में उतना होगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हो। एंड लास्ट वाला जो हम अप्रोच बताए वो थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा, बट वो एट द एंड बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो प्लीज उस अप्रोच को आप जरूर ध्यान में रखना, पैलिंड्रोम में भी वो आपको अप्रोच बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।